हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं जिजाऊ पर्यटन केंद्र चिंचवड़, जो कि एक पीसीएमसी गार्डन है। तो आप किसी भी प्रकार की एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती आपको यहाँ पे, एंड दे हैव अ सेपरेट पार्किंग विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो देख रहे हो ये पार्किंग के लिए जगह अवेलेबल है। तो चलो, तो मैं अंदर जाके आपको यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिखाती हूँ। गार्डन में अंदर आने के बाद जस्ट लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। इसके लेफ्ट साइड में पहले हम जाने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। बच्चों को बोर भी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि गार्डन मोरया गोसावी टेम्पल के बाजू में होने के कारण यू कैन प्लान फॉर बोथ। बट ध्यान रहे, गार्डन का टाइमिंग 5 AM से लेकर 10 AM एंड इवनिंग 4 PM से लेकर 8 PM आप कभी भी विजिट कर सकते हो। गार्डन में फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, लेकिन मेरे बेटे को ये बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि ऑप्शन इतने सारे हैं कि क्या बताऊँ। एंड गुड पार्ट इज दैट आप यहाँ पे मोरया गोसावी जी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मोरया गोसावी जी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दर्शाती है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये पूरा मोरया गोसावी जी के बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। गार्डन बहुत बड़ा है, तो चलिए बढ़ते हैं अभी आगे की ओर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एनिमल के स्टैचू जो है अच्छे से डेकोरेट किए गए हैं। आप यहाँ पे एलिफेंट देख सकते हैं। और एंट्री पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट जाते हो, तो वहाँ से आपको पवना रिवर जो है देख सकते हो, जो एक्चुअल में इस गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। बट एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, बारिश के मौसम में बच्चों को नज़दीक ना जाने दें, क्योंकि वहाँ पर कम्प्लीट कवर बैरिगेट्स नहीं है। और जो आपने देखा वो टेम्पल, वो मोरया गोसावी जी का ही टेम्पल है। और अभी हम यहाँ आए हैं यहाँ पे, तो हल्की हल्की सी यहाँ पे बारिश हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसका नज़ारा कितना प्यारा है इस रिवर का। दोस्तों, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले इस गार्डन के बारे में। और विजिट करने के बाद आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और